चीजें जो बिल्कुल कुछ नहीं बचा जाएगा। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी आप जो अपना घर बना रहे थे उसमें अभी चोरों द्वारा जो है वो सारी सारी जो तार है वो चोरी कर ली गई है? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आप मीडिया कर्मी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर इस पूरी वारदात को कवरेज किया है। तो मामला सर जो है वो बिल्कुल आपके सामने ही है। देर रात को जो इन्होंने चोरों द्वारा यहाँ पर जो काम किया गया है, बिल्कुल मतलब नाकाबिले तारीफ काम है ये। तो इस तरह की वारदातों को जब ये अंजाम देते हैं तो सर बिल्कुल मतलब गलत बात है ये। तो मैं वैसे कि सुबह की रूटीन में जैसे ही सर मैं आया तो मैंने देखा यहाँ पर ये जो MCB का हमारा ये ढक्कन है ये नहीं था, तो मैंने सोचा कि यहाँ से वायरिंग जो है आउट हो गई है। तो कुछ ही दिन पहले मैंने यहाँ पर सर करीबन 45,000 की जो वायरिंग आई थी, बाकी उसकी जो 50,000 का खर्चा हुआ था, बाकी जो घर है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, आप देख सकते हैं सर। जी, तो मैं यही मतलब पुलिस प्रशासन से ये अपील करना चाहता हूँ कि इन पर जितना हो सके, इन जो ऐसे काम कर रहे हैं लोग, इन पर जल्द से जल्द शिकंजा कसा जाए ताकि ये दोबारा किसी और कई ऐसे वारदात को अंजाम ना दें। सर अभी आपने पुलिस थाने में कंप्लेंट करवा दी गई है? जी जी सर, मैंने कंप्लेंट करवा दी गई है। तो पुलिस के कुछ मतलब आए थे तो उन्होंने ये पूरी वारदात को देखा है, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए वो कर रहे हैं। सर क्या लगता है, ये तार जो फिट हो चुकी होती है उसको निकालना इतना भी आसान नहीं है, क्या कहना चाहेंगे सर? जी बिल्कुल, देखिए सर जिस पूरा मामला जो है वो आपके सामने है, क्योंकि ये किसी नॉर्मल आदमी से ये तो हो नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पर जो टेक्निकल अगर बंदा इसको फिटिंग करता वायरिंग तो वो टेक्निकल बंदा ही इसको निकालने में सफल हो सकता है सर जी। बाकी ये अगर कोई और बंदा हो तो उससे इतना आसानी से नहीं हो सकती है। सर क्या अपील करना चाहेंगे पुलिस प्रशासन से? जी मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इन पर शिकंजा कसा जाए और इनको पकड़ा जाए कि ये कौन लोग हैं जो हमारे इस क्षेत्र में ऐसा काम, घिनौना काम कर रहे हैं सर।